किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करूं इस काम को, ऐसा करूंगा क्या। आज ये हमारे कपड़े का बिजनेस ही है। 1992 में मैंने दलाली शुरू करी थी, अगर मैं उस दिन ये सोच रहा होता, लेकिन वो काम यहाँ इतना छोटा माना जाता है लोगों को, बोले अच्छा दलाली करते हैं, बाप रे बाप। तो अगर मैंने उस काम को अगर छोटा समझा होता तो मैं आज कतई इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। मुझे सीखने को मिलता ही नहीं कुछ कि आपके दिमाग में कुछ करने की आई है तो आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ अभी। आपके मन में कुछ करने की जागी है तो आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मेरे साथ अजमेरा फैशन से अजय सर, जो कि आपको बताएंगे आज बहुत सारी बातें अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच सर, आपको सबसे पहले आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे व्यूअर को इतना कुछ बता रहे हो। वेलकम सर। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर सूरत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो साड़ी और कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कितना टाइम से हो सर? 27-28 साल हमको इसको, इस बिजनेस को हो गया है हमें। ठीक है। हमने शुरुआत करी थी, मैंने अपने ब्रोकरेज से, एक्चुअली जो ब्रोकर होता है इधर से माल उधर दिलवाते हैं, उससे हमने चालू किया था ये। फिर धीरे धीरे सर्विस करी, फिर उसके बाद अपना बिजनेस ये चालू किया हमने जी 2011 में। स्टार्टिंग आपने जीरो से करी और आपका इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे कस्टमर हैं। सर 1992 में मैंने ब्रोकरेज चालू करी थी। अच्छा। और आज ये इतना बड़ा जो पोजीशन आप देख रहे हैं वो है सामने। 2011 में हमने ये चालू किया था, उसके पहले मैं सर्विस करता था कहीं दूसरी जगह। अच्छा। यही कपड़े की लाइन में। ओके। तो उसके बाद ये चालू किया है सर। लोग ना अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जी जी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो तो सबसे पहले पैसे की होती है कि पैसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, 50,000 नहीं है, 2,00,000 नहीं है, तो मैं अपना बिजनेस कैसे करूंगा। बराबर है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती होती है आइडिया की, चलो हमारे पास 1% के इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो गया, तो आइडिया किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर आइडिया तो सबसे बढ़िया यही है, सूरत से आप ले जाके बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की स्टार्ट करने के लिए सिचुएशन से ज़्यादा वो मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं अपने आप को। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है लोगों की, सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं। एक कोई बिजनेस का आइडिया अगर उनको आया भी है तो 50 लोगों की राय लेने के लिए निकल जाते हैं कि ये किया है, क्या है, कैसे होगा इसके अंदर। तो ये क्या है, गलत है थोड़ा। आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आप सीधा जो उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे राय लीजिए, अगर लेनी भी है तो। हर किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, आजकल बेसिकली यही मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पूछते वैसे लोग से जो कि ऑलरेडी उस काम को नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं और वो अपना आइडिया देते हैं। हाँ। और दूसरी चीज क्या होती है, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करूं इस काम को, ऐसा करूंगा क्या। आज ये हमारे कपड़े का बिजनेस ही है। 1992 में मैंने दलाली शुरू करी थी, अगर मैं उस दिन ये सोच रहा होता, जबकि मेरे सीखने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वही था मेरे लिए। मेरे को जो बायर है उसकी भी नॉलेज मिलेगी, जो परचेजर है उसकी भी नॉलेज मिलेगी, जो सेल कर रहा है, सेलर और परचेजर दोनों का मुझे आइडिया लग रहा था मैं ब्रोकरेज करता हूं तो। लेकिन वो काम यहाँ इतना छोटा माना जाता है लोगों को, बोले अच्छा दलाली करते हैं, बाप रे बाप। तो अगर मैंने उस काम को अगर छोटा समझा होता तो मैं आज कतई इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। मुझे सीखने को मिलता ही नहीं कुछ। फिर मैंने नौकरी करी अपनी, तो उस नौकरी में भी मैंने कभी नौकरी ये समझ के नौकरी नहीं करी कि ये मेरी शॉप नहीं है। अपने आप को वहाँ इसी तरीके से रखा कि एक पैसे का नुकसान भी वहाँ का नुकसान मेरा नुकसान है, यही समझ के मैंने काम भी किया, कहीं भी किया तो। तो आपका कहने का मतलब कि
किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, पूरी ईमानदारी से उसके प्रति आपको 100% आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा उसके प्रति, तभी उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है कोई भी काम हो। आज यही काम सर, ऐसे ऐसे लोग हैं, साड़ी का बिजनेस जो हम कर रहे हैं, आज जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, ये समझिए 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का माल हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, पूरे दिन वो नौकरी करते हैं कहीं, शाम को 5 बजे वो साइकिल पे रख के अपना लेके जाता है, और आजू बाजू के जितने गांव हैं, जितने छोटी छोटी बस्तियां हैं, उनके अंदर वो साड़ी लेके जाते हैं वहाँ पे और बेचते हैं उन साड़ियों को, और शाम को वापस आ जाते हैं 8 बजे 8:30 बजे। तो कहने का मतलब कि अपना जॉब भी चल रहा है, जॉब भी चल रहा है साथ में और ये भी कर रहा है। अच्छा, आप ये तो कर ही सकते हैं, इसी बिजनेस को आप घर से चालू कर सकते हैं, आप अपने वाइफ कर रही है या मम्मी है या दीदी है, कोई भी घर पे खाली बैठा हुआ है, आप उससे करवा सकते हैं ये काम को। जब आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ नहीं बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरी नौकरी में मैं फालतू समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो आप 100% इसके अंदर डाइवर्ट हो जाइए, आप अपनी शॉप कर लीजिए। ओके, अच्छा सर एक छोटा सा बात आप मुझे बताओ कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेन बात है इन्वेस्टमेंट की, कि अगर कोई भी साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो इनिशियल लेवल पर वो कितना इन्वेस्टमेंट उसको जरूरत पड़ेगी मिनिमम? सर देखिए, अगर उसको वहाँ बैठे मंगवाना है ट्रांसपोर्ट से, तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का माल मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले छोटा पार्सल लेते नहीं हैं। हाँ जी, और अगर वो यहाँ आके लेके जाता है तो 2 सेट 5 सेट 10 सेट जितना चाहे वो ले जा सकता है, हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। तो आप चाहें तो आप 20-25-30 साड़ी भी ले जाके घर पे आप कोशिश तो करिए, चालू करिए। अच्छा। और आज एक किसी भी मामूली से मामूली छोटी से घर में अगर यूज के लिए नहीं भी लेनी हो ना सर, तो भी 10-20 साड़ी साल के अंदर मामूली बात है किसी को लेने देने के लिए ले लेना। तो सर इतना नीडफुल आइटम है, इस आइटम की कोई एक्सपायरी नहीं है, माल पड़ा पड़ा खराब नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम है। आज लेडीज़ जो अलमारी के अंदर आप कपड़े देखने जाओगे तो लेडीज़ की 100 साड़ी मिलेगी आपको, और अपने पेंट शर्ट 5-7 जोड़ी के अंदर काम हो जाता है। तो इतना नीडफुल आइटम है, तो आप खाली आपको अपने आप को तैयार करना है कि भाई मुझे काम करना है, और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं। सबसे मतलब बड़ा दुश्मन आइडिया आया तो खुद स्टार्ट करो, ना कि किसी और के पास जाके। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा दोस्त आपका कोई अगर है तो वो आप खुद हो और कोई नहीं है। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप स्टार्ट करना चाहो, आप अपने मन को राजी कर लो कि हाँ मुझे काम करना है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात की, चलो इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आपके पास आ गए, माल भी ले लिया, ठीक है, साड़ियाँ भी उठा ली, चलो सब कुछ हो गया, लेकिन अब उनके पास नॉलेज नहीं है कि हम साड़ियाँ तो ले लिए, चलो दुकान लगाएंगे, गांव में सेल करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस होता है ना, कैसे उसको स्टार्ट करना है, क्या करना, मार्केटिंग कैसी करनी है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर इसकी मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक सोसाइटी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, गाँव में मोहल्ला होता है, उसके अंदर अगर 50 लोग रह रहे हैं ना, तो एक खाली जरूरत आपको इतनी सी है कि आपको अपने सर्कल में ये बोलना है, जो आपके दोस्त लोग हैं उनको ये बोलना है कि मैं सूरत से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आया हूँ। Okay. बस अगर सामने वाला एक बार आके आपके यहाँ देखेगा ना, तो उसको रेटों का इतना फर्क नजर आएगा बाजार से लेने में और उसके लेने में, तो उसको अपने आप लगेगा नहीं यार यहाँ से मुझे साड़ी लेनी चाहिए। और अगर उसको एक को लग रहा है तो वो जाके 10 को आपके यहाँ भेजेगा सर। Okay. आपको जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की, आपकी माउथ पब्लिसिटी इतनी होगी कि अगर रिजनेबल रेट में आप कपड़ा बेच रहे हैं तो सर। दूसरी बात सर ये बताओ कि आपसे अगर कोई लेने आता है यहाँ पर माल, ठीक है, तो उसमें आप जो प्राइस उनको आप प्रोवाइड कराओगे, जिस प्राइस पर, वो क्या रिटेल रेट होगा या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग रेट पर आप देते हो? सर जो मैं डीलर और होलसेलर को प्राइस देता हूँ, वही प्राइस हमने रिटेलरों के लिए रखी है सर। अच्छा। हमारे यहाँ यही सिस्टम है, हमारे यहाँ रेट का कोई फर्क नहीं आएगा, जो मेरा डीलर लेके जाएगा, जो कि आगे जाके रिटेलर को बेचता है, होलसेलर को बेचता है, वो रेट मैं यहाँ रिटेलर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ सर। हमारे मतलब जब से ये हमने रिटेल, 2 साल हुआ है हमको ये काम करते हुए, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ऊपर वाले की दया से, और इतने लोग जुड़े हैं इस बिज़नेस से हमारे, आज 2000 लेडीज़ कम से कम हमारे यहाँ इससे, इस बिज़नेस से जुड़ी हुई, जो घर से बिज़नेस कर रही है, और 25-50 लेडीज़, 100 लेडीज़ तो ऐसी होंगी जिन्होंने शॉप में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। बात जो कि कहीं ना कहीं सबका इम्पोर्टेंट होता है कि चलो साड़ियाँ तो और भी बहुत सारे दुकानदार देते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होलसेलर हैं, वो उनसे ना लेके आपसे क्यों लें?
सर कहीं भी मिले तो लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा। आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जहाँ सही लगता है वहाँ से लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि भाई आप घर पे खाली बैठे हो तो वो खाली ना बैठे। अच्छा। अगर उनको जेन्युइन मैं लग रहा हूँ, मेरे यहाँ आके देखिए, आप समझिए पहले मैं कैसी रेट ले रहा हूँ, क्या रेट में आपको कपड़ा दे रहा हूँ, वो रेट में आगे कपड़ा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अंदाजा तो एक लेडीज़ को तो अपने आप आ ही जाता है कि भाई हाँ इस तरीके के रेट में ये कपड़ा मेरे से बिक जाएगा, और 20-25% में कपड़ा आराम से बिकता है सर, आराम से। एक लेडीज अगर घर से काम करती है ना तो 25% मुनाफा बहुत अच्छा प्रॉफिट है अगर घर से काम कर रहे हैं तो, और आराम से वो बेच सकती है उसको उस रेट के अंदर, क्योंकि 15% तो डीलर को चाहिए होता है सर, डीलर फिर होलसेलर को देगा 10% में, और उसके बाद रिटेलर को देगा, तो वहाँ का जो रिटेलर बैठा हुआ है जिसने बड़ी शॉप कर रखी है, जो वहाँ से खरीद रहा है, वो ऑलरेडी जिस रेट में आप बेचना चाह रहे हो उस रेट में तो वो वहाँ से बेचारा खरीद रहा है, तो आपका कपड़ा तो अपने आप ही बिकेगा। रही बात हमारे यहाँ आने की, तो मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ से ही कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी लो, थोड़ा देख के समझ के हर किसी के यहाँ अपना पैसा फंसा मत दीजिए। किसी को भी आपने पैसा दे दिया कि भाई ठीक है ये 50,000 रुपये लीजिए, आप हमारा माल भेज दीजिए, एक छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है, वो सैंपल्स दिखाता है खाली, या बुकलेट दिखाता है कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, इस तरीके के किसी से भी आप मतलब माल आँख मूंद के ऐसे ही किसी पे विश्वास करके माल ना लेवे। अगर आपको सामने जचता है कि हाँ ये माल मेरे को चाहिए, ये मैंने लिया है, तो सामने देख के छाटिए और लेके जाइए बाई हैंड उसको। अच्छा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, हैं 1% लोग ही, लेकिन वो लोग फ्रॉड हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। तो क्या है, मेरा इतना ही कहना है 1% ही लोग, बाकी सब यहाँ पे ईमानदार है। सूरत की एक धरती ऐसी है सर, ये अम्बे माता का आशीर्वाद है कि भाई यहाँ आया हुआ कोई बंदा अगर यहाँ भी आता है किसी काम करने के लिए, आज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, बिजनेस करते हैं यहाँ पे, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या किसी भी तरीके से अपना पेट पालते हैं, वो कभी भूखे नहीं सो सकता है सर, अगर उस वो मेहनत करता है तो। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक पोटला उठाने वाला हमारे यहाँ से नीचे पोटला लेके जाता है, वो नीचे पोटला डालता है, वो महीने का 30,000 से 40,000 रुपया कमाता है सर। अच्छा। एक पोटला उठाने वाला, तो काम करने का मन के अंदर होनी चाहिए इच्छा कि मुझे काम करना है, तो कोई भी काम हो आप काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई आप उस काम के प्रति कितने लॉयल है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ आपकी, सपोज करो कोई इंडिविजुअल आज फुल टाइम लेकर स्टार्ट करता है, तो अगर अच्छे से काम करता है, वो अकेला है अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो एक एवरेज में कितना प्रॉफिट मान लीजिए महीने में इतनी हो जाएगी उसकी? सर देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक लेडीज अगर घर से बेचती है ना तो 25-30% का मुनाफा करके आराम से बेच सकती है। और यही चीज अगर किसी ने अच्छा शोरूम बना रखा है, बहुत बढ़िया शोरूम बना रखा है, तो 100% तक प्लस करके वो कपड़े को बेचता है। अब आप अगर दिन के अंदर 25-30% का मुनाफा भी कर रहे हैं, 200 रुपये की साड़ी के ऊपर 25-30% मुनाफा जोड़ रहे हैं, 60-70 रुपया साड़ी मामूली बात है, ठीक है, और दिन के अंदर अगर 8 घंटे उसके ऊपर आप दे रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 50-100 साड़ी तो बिकना मामूली बात है, मामूली बात है, सही बात है, मामूली बात है। अगर वही साड़ी 200 की जगह 2000 वाली आपने बेची है, तो आपका जो मुनाफा है वो उस तरीके से हाँ कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुनाफे की कहीं कमी नहीं है सर इस कपड़े के अंदर। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग करते हैं तो नॉर्मली भी अच्छे से काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ काफी अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा जी। अच्छा सर, ये बताओ कि आज स्टार्टिंग में छोटे लेवल से स्टार्ट किया, हाँ, तो अगर अच्छे से काम करता तो फ्यूचर में चल के कैसे कह रहा होगा? सर एक फेरी वाले स्टार्ट करके आप शॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, शॉप में कन्वर्ट करके आप मैन्युफैक्चरर तक बन सकते हो सर। ये कपड़ा इतना इजी प्रोसेस है कि इसको कोई भी खुद की मशीन लगा के बना सकता है सर। ओके। आज अगर आप एक क्वालिटी बनाना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे आप मटेरियल अपना दे दो खाली, और मशीन आपके किराए पे आपको मिल जाएगी, आप खुद प्रोडक्ट बना सकते हो अपने यहाँ। तो इतना स्केल, इतना मतलब ब्रॉड स्तर पे काम है ना, कि आप छोटे लेवल से शुरू करके एक अपनी फैक्ट्री के मालिक तक बन सकते हैं उसके लिए इसी चीज से।
कहीं ना कहीं मेहनत और काम बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, और 12 मशीन लगाना बहुत बहुत मामूली बात है सर, बहुत मामूली बात। आपको मशीन खरीदने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा शेड आपको किराए पे मिल जाता है। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सूरत के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो यहाँ इतने जरिए हैं कमाने के, इतने रास्ते हैं कमाने के कि आप किसी भी लाइन के अंदर अगर थोड़ा सा भी 100% अपना देते हैं तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं सर। ओके, तो कहने का मतलब कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कपड़ों का मतलब साड़ियों का बिजनेस बेस्ट रहेगा अगर अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल, साड़ी हो चाहे कुर्ती हो चाहे लेगिंग्स हो, आप एक कुर्ती का कपड़ा आता है जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है सूरत के अंदर, आप 12 मशीन लगा के कुर्ती सिलाई कर सकते हो सर। अच्छा, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एक मशीन आती है 30,000 से 40,000 रुपए की खाली, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपको। आज मोदी जी ने इतना सब अपने लिए कर रखा है कि एक पैसे का तो मैं समझता हूँ कि बहाना लगता है मेरे को कि हमारे पास पैसा नहीं है या ये नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं काम करने की इच्छा नहीं है उनकी। नहीं तो आज मुद्रा योजना के तहत आपको एक घंटे के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, एक घंटे के अंदर। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को मुद्रा योजना पता है लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे लेना है, कैसे करना है, उसके बारे में प्रॉब्लम। बहुत बहुत इजी प्रोसेस है सर। आप आज हमारे यहाँ से कम 20 से 25 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये मुद्रा लोन के तहत लोन लिया है। अच्छा, जो हमारे यहाँ से वो बनवा के लेके जाते हैं एस्टीमेट कि भाई मेरे को इतने का माल लेना है, एस्टीमेट बना के हम लोग उनको देते हैं, वो हमारे यहाँ से फिर चेक लेके आते हैं हमारे नाम का। अच्छा, बैंक से डायरेक्ट कि सर मेरे को माल दीजिए, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए तक की लिमिट है जहाँ तक मैं समझता हूँ मुद्रा योजना के तहत। कोई भी आदमी एक अगर बिजनेस करना चाहता है तो 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकता है, और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में पैसा नहीं, अगर वो चाहे तो लोन के जरिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता कर है, सकता है। बिल्कुल है। तो चलिए सर, आपने कुछ सैंपल दिखाई, कुछ डिजाइन दिखाई है जिससे कि लोगों को आइडिया लग सके कि हाँ आपके पास किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। ये मैं आपको कुछ कैटलॉग्स नए आए हैं। अच्छा, तो वो आइटम सब दिखाता हूँ जो अभी लॉन्चिंग में है हमारे। ये नया कैटलॉग लॉन्च किया है हमने, आज ही आया है। जो ये साड़ी आप देख रहे हैं वो यही साड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं इसका देख सकते हो बॉर्डर कितना प्यारा है। हाँ, और चाइना सिफोन पे दिया है ये हमने, ये डिजिटल प्रिंट का बॉर्डर के साथ लगाया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कैटलॉग है, इसमें 8 डिज़ाइन आती है। अच्छा, इसका ये देखिए, हाँ ये 8 डिज़ाइन है टोटल। जो साड़ी अपन ने देखी है वो ये साड़ी है सर, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये साड़ी है, सेम कलर मैचिंग मिलेगी हमारे यहाँ, जो आप फोटो में देख रहे हैं वही चीज साड़ी में ओरिजिनल में भी आपको देखने को मिलेगी। तो सर ये बताओ कि ये जो साड़ी आपने दिखाई है ये कैटलॉग आइटम है तो एक पूरा पैकेट लेना पड़ेगा? जो पूरा पैकेट, हाँ, 8 पीस का कैटलॉग होता है जैसा मैंने दिखाया ना, 8 डिजाइन, 8 डिजाइन आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, ये पूरी लेनी पड़ेगी उनको। ये देखिए, एक ये बनारसी कॉन्सेप्ट का है। ओके, ये बहुत बहुत जबरदस्त अभी डिमांड में है ये आइटम। अच्छा, ये देखिए, ये बनारसी लुक है। बनारसी में प्योर बनारसी है? नहीं नहीं, प्योर बनारसी नहीं है सर, ये सूरत का बनारसी है। अच्छा, सूरत का बनारसी। हाँ जी, पल्लू उधर है, ये देखिए, ये पल्लू है इसका। ओके, ये पल्लू। और ये पूरी बॉडी है इसकी, देखिए, बहुत बहुत सुंदर साड़ी है। डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी मैं आपको जो डिजाइन अभी दिखा रहे हैं वही ये डिजाइन है। ओके, ये वाला। हाँ जी, इसका कैटलॉग आता है पूरा ये। अच्छा, ये सारी डिजाइनें अलग अलग है टोटल। हाँ जी, 8 डिजाइन का कैटलॉग आता है, 8 पीस पूरे लेने होते हैं, सबकी डिजाइनें अलग अलग रहती है, कलर अलग अलग रहते हैं। कितना पड़ता है प्राइस? हम कोई भी पर्टिकुलर पीस का कभी बताते नहीं है क्योंकि आगे कस्टमर को बेचना रहता है। हमको सिंगल सिंगल पीस तो बेचते नहीं है कि यूज करने वाले को दे रहे हो, तो हम कभी भी प्राइस डिस्क्लोज करते नहीं है कभी भी वीडियो के अंदर, जिससे कस्टमर को बेचने में दिक्कत नहीं आवे, साथ ही साथ हमारे डीलर और होलसेलर को भी दिक्कत नहीं आवे। जी, नेक्स्ट आइटम मैं चलता हूँ। देखिए, बहुत क्लासिकल आइटम है ये भी, ये 2 फैब्रिक से जोड़ के बनाया हुआ है। अच्छा, देखिए इसमें कौन कौन से फैब्रिक? ये नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अच्छा, ये देखिए, और ये जो है ये नीटिंग मशीन पे जैकार्ड का काम है। नीटिंग मशीन पे। हाँ जी, और फिर
एम्ब्रॉयडरी की हुई है, देखिए पूरे नेट के ऊपर बहुत ही सुंदर चीज है, डिजाइन भी काफी अच्छा। हाँ, ये कोडिंग कोडिंग जेकार्ड का, ये कोडिंग का नेट के ऊपर कटवर्क का बॉर्डर है, सबसे बेस्ट यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा लग रहा है जी। ये ब्लाउज इसका जो आएगा, तो ये भी कैटलॉग आइटम है। हाँ जी, ये कैटलॉग आइटम है, ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है। हाँ जी, नेक्स्ट आइटम में चलता हूँ, देखिए बहुत सुंदर चीज है, ये पूरा डिजिटल पार्ट हो गया इसका। अच्छा, ये प्रिंट आइटम है ना? हाँ जी, प्रिंट के साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन है ये। ये देखिए खूबसूरत साड़ी लगती है, ये पूरा डिजिटल पार्ट हो गया इसका, बॉर्डर में डिजिटल है और ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ नेट के साथ। ये जॉर्जेट है, ये जॉर्जेट जी। हाँ, तो और गाइस जो भी यहाँ पर सर दिखा रहे हैं, देख रहे हो कितना एक से एक डिजाइन है। ये पूरा बेंगलोरी का ब्लाउज आएगा, इसके अंदर बांह पे पट्टी आएगी। अच्छा। जी जी जी, इससे तो ब्लाउज भी काफी अच्छा है। और इसमें और कितने डिजाइन आते हैं? डिजाइन वही आठ डिजाइन का कैटलॉग आता है सर, वो कैटलॉग पूरा लेना पड़ता है बस का, इतना ध्यान में रखिए क्योंकि हम सिंगल सिंगल पीस बेचते नहीं हैं। ये देखिए, ये दूसरा आइटम जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, हाँ जी, इसमें भी आपको मल्टीपल कलर में देख रहे हो कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए इसकी साड़ी मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। डिजाइन देखकर बताओ आपको कैसा लग रहा है? डिजाइन देख रहे हो, पूरा ये पल्लू है देखिए। अच्छा। इतना बड़ा, और ये फिर स्कर्ट के अंदर आता है। ब्लाउज जो हम देते हैं वो अलग से जॉर्जेट का ब्लाउज साथ में है ही है। ये सारा ब्लाउज का, ये जॉर्जेट का पीस है, ये पूरी बांह के पास दोनों साइड पट्टी आ जाती है इसकी। इसका ये डिजाइन मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये सेम डिजाइन है जो अभी मैंने आपको दिखाया जी। सारी डिजाइन है, चेन स्टिच आते हैं इसको, ये जो स्टिच है ना ये चेन स्टिच बोलते हैं इसको। ये इसके अंदर देखिए ये आठ डिजाइन आएगी, सब अलग अलग कलर, अलग अलग स्टिच, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी जी जी जी। कपड़े का बेस एक रहेगा बस जी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर ये बनारसी लुक की एक बेहतरीन खूबसूरत चीज आई है अभी। अच्छा, एक बात और कि इसमें कुछ कट निकल जाता है, फिर कुछ खराब पीस निकल गया। हाँ हाँ, तो उस केस में क्या होगा फिर? हमारे यहाँ एक एक पीस देखिए चेक होके जाता है। अच्छा। लेकिन फिर भी आदमी चेक करता है, एक आध पीस 100 में से कोई चला भी जाता है तो उसके लिए कस्टमर को टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो हमारा है पीस। अच्छा, वो हम कस्टमर चाहेगा तो हम उसका पैसा रिफंड कर देंगे, और अगर वो चाहता है कि बदल के चाहिए तो बदल के दे देंगे जैसा चाहिए। अगर हमारी कोई भी मिस्टेक है सर तो कस्टमर को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए लाजवाब पीस है, बहुत सुंदर पीस है। देखिए ये पूरा बनारसी लुक वाला है। अच्छा। देखिए इसका भी कैटलॉग देखो, ये कैटलॉग, ये सेम जो ये डिजाइन देख रहे हो यही वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी इसमें और भी आते हैं डिजाइने, और भी हैं, वो 7-8 डिजाइनों का कैटलॉग रहता है। हाँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये 8 डिजाइन, ये जो डिजाइन अपन ने दिखाया है वो यही है जो। अच्छा, ये वाला डिजाइन। हाँ जी, हाँ जी, 6 डिजाइन का कैटलॉग है, सॉरी 6 डिजाइन का कैटलॉग आता है ये। नेक्स्ट अभी क्या है, थोड़ा लगन का सीजन है तो ये हैवी साड़ियाँ जो रेड मैरून के अंदर आती है। अच्छा, ये देखिए दुल्हन के लिए, दुल्हन साड़ी। हाँ जी, दुल्हन साड़ी, ब्राइडल कलेक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा। पूरा देखिए कितना भारी काम है, कितनी हैवी साड़ी है, ये पूरा हाथ का काम है ये देखिए। अच्छा। पहले मशीन से काम किया हुआ, फिर उसके ऊपर एक एक जो है डायमंड वगैरह सब किया हुआ है। मैं बोलूँगा कि आप दर्शकों को पूरी चीज़ दिखाएँ एक बार। देखिए वाइस कितना प्यारा है। और सर ये बताओ कि इसकी जो ये डिजाइन करा गया है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम यूज करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरा हैंडवर्क है सर, हाथ से सिलाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिलाई है सर। अच्छा, ये सारा हैंडवर्क? बिल्कुल बिल्कुल, तो मशीन के साथ पूरा हैंडवर्क है इसके अंदर। क्वालिटी की मतलब कोई वो नहीं है कि प्रॉब्लम वाली बात, बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको जी। ये डिजाइन देखो आप, कितना खूबसूरत डिजाइन है। देखिए ये भी इसमें ये डिजिटल का पार्ट ऐड किया है अलग से बॉर्डर के अंदर। अच्छा। जॉर्जेट है। हाँ। जॉर्जेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, फिर नीचे अलग से डिजिटल का पार्ट ऐड किया है, पूरा घूमता है साड़ी के अंदर। अच्छा। और डिजाइन है, मैं आपके दिखाऊंगी, देखिए ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये वही डिजाइन है जी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये डिज़ाइन है जो आपने दिखाई। अच्छा। इसकी 8 डिज़ाइन आती है, सब एक एक पीस खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि
वीडियो के अंदर इतना लंबा वीडियो हो जाएगा ना, ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे। ये 8 डिजाइन आते हैं, एक एक पीस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे कि कस्टमर्स को आइडिया लग जाए कि क्या चीज मिलने वाली है। अब ये चीज देखिए, ये प्रिंट के अंदर आई है, मतलब ये जैसे आप जो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट देखा तो इसमें ढेरों कैटलॉग है हमारे पास। ये मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ जो आज हम लोग के पास आए हैं। जैसे ये कैटलॉग है, ये वर्क का कैटलॉग आपने देखा, डिजिटल कॉन्सेप्ट का देखा, तो इसके 10-20 कैटलॉग आपको एनी टाइम रेडी मिलेंगे हमारे पास में। बनारसी आपने नीचे देखा तो बनारसी के 10-20 कैटलॉग आपको एनी टाइम रेडी मिलेंगे, हर रेंज मिलेगी उसके अंदर। 200-250-300 रुपए से स्टार्ट होकर 1400-1500-2000 रुपए तक की रेंज बनारसी साड़ी के अंदर आपको मिलेगी। पर ये खाली एक एक पीस इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आज ये कैटलॉग हमारे पास आए हैं। रेड मेरून का कलेक्शन दिखाया है, रेड मेरून के अंदर भी आपको बहुत ढेरों डिजाइनें मिलेगी आपको जी। ये देखिए, ये प्रिंट का है। प्रिंट का जो कैटलॉग हम दिखाने जा रहे हैं वो वेटलेस के ऊपर है। अच्छा। बहुत ही सुंदर कलेक्शन है ये इसका, ये कुछ इस हाँ पूरी पूरी प्रिंट है इसकी ये, और ये डिजाइन में टोटली इसकी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 10 डिजाइन का कैटलॉग है आपको कैटलॉग में। हाँ जी, ये बांधनी का कलेक्शन है। बांधनी में भी हमारे पास एनी टाइम आपको 50-60 डिजाइन एनी टाइम मिलेगी। अच्छा, ये देखिए, ये प्योर चुंदनी जिसको बोलते हैं ना, चुंदनी की साड़ी है ये पूरी। हाँ जी हाँ जी। तो ये कैटलॉग आइटम है फिर अलग है? ये अलग आइटम है। हाँ जी। अच्छा। अब जैसे ये देखिए, मैंने आपको एक डिजाइन दुल्हन के लिए दिखाई थी, उसी के अंदर दूसरी डिजाइन और आई हुई है आज। तो गाइस ये डिजाइन देखो कितना, ये देखिए इसका, जैसे ये रेड में ही, ये देखिए ये सब डिजाइन आज ही आई हैं इसकी। अच्छा। ये दुल्हन के लिए कलेक्शन है हमारे पास में। ये देखिए, ये पूरा फुल कलेक्शन मिलेगा आपको इसके अंदर। ये बनारसी के अंदर देखिए, ये लीची बेस पे है। अच्छा। ये बेस इसका लीची है, देखिए बहुत ही सुंदर चीज है ये पूरा। इसमें कहीं भी जो है ना कलर नहीं किया हुआ इसको। ये मशीन से कलरों के धागे से ही बनती है। अच्छा। जैसे वो रेड पार्ट देख रहे हैं तो उसमें रेड कलर के धागे चले हुए हैं। अच्छा, धागे से? हाँ जी हाँ जी, ये ग्रीन कलर का धागा चला हुआ है। इस पे कलर वलर कुछ नहीं होता है सर। अब ये ब्लाउज आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरे रेड कलर के धागे से ब्लाउज बना हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा यहाँ अलग से पार्ट जो है ये ब्लाउज का पार्ट है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैटलॉग देखिए, ये भी हमारा हॉट केक नंबर है। ये प्लेन साड़ी आती है पूरी मार्बल के ऊपर। अच्छा। और इसके में बॉर्डर लगा हुआ रहता है साड़ी के पीछे, मार्बल में। हाँ जी, मार्बल के अंदर, मार्बल कपड़े का नाम है। और इसका ब्लाउज हैवी रहता है सर, ये देखिए। अच्छा, पूरा हैवी ब्लाउज आएगा। अब इस कैटलॉग के अंदर जितनी भी डिजाइनें आएंगी सब इसी कॉन्सेप्ट की डिजाइनें आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैटलॉग। हाँ जी देखिए, इस कैटलॉग में टोटल 8 हाँ 8 डिजाइन है। अच्छा। 8 डिजाइन में ब्लाउज की डिजाइन अलग अलग रहेगी, बॉर्डर की डिजाइन अलग अलग रहेगी, साड़ियों के कलर जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। ये देखिए, अभी आजकल एक फ्रिल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला हुआ है। अच्छा। ये देखिए, फ्रिल डिजाइन बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये पल्लू का पार्ट हो गया। इसमें पल्लू पे पूरा बॉर्डर दे दिया है, सिल्क का पल्लू है। देखिए कपड़ा, देखिए आप इसका कपड़ा का। हाँ, पल्लू में। हाँ, और ये देखिए, ये ब्राइडल कपड़े के ऊपर ये फ्रिल लगाई है, डिजाइनिंग किया है। ये अभी बहुत जबरदस्त डिमांड में है, ये जो ये पैटर्न जो है एकदम डिफरेंट स्टाइल से इसको यूज किया है। बहुत प्यारी साड़ी लगती है पहनी हुई। बॉर्डर भी काफी अच्छा करा गया इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। अब ये देखिए, ये पूरा हैंडवर्क के साथ है, कितनी प्यारी साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये पैकिंग भी जो हम लोग देते हैं ना सर, आप मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कस्टमर जो रिटेलर यूज़ करता है ना सर, वो 60-70 रुपए में ये एक एक पाउच खरीद के लाता है अपनी हैवी साड़ियों को सेफ रखने के लिए। तो हम लोग उसी हिसाब से वो चीज़ उसको देते हैं। अच्छा, ये मतलब कि आप ये सारी जितनी हैवी साड़ियाँ जो अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ हैं उसके साथ हम लोग ये बेक देते हैं। हम लोग इसी तरीके से पैक करते हैं, बॉक्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि बॉक्स क्या है, किसी काम की चीज़ नहीं है सर। हाँ, जल्दी ख़राब हो जाती है, वो टूट जाता है बॉक्स, मतलब जाते जाते ही पैकिंग में टूट जाएगा तो फिर आगे लेडीज़ के काम नहीं आता है। ये एंड यूज़र तक काम की चीज़ है। प्रिंटेड में एक कैटलॉग और आया है, देखिए बहुत सुंदर चीज़ है ये भी। ये पूरा डिजिटल प्रिंट है, डिजिटल प्रिंट, हैंड स्प्रे बोलते हैं इसको। देखो गाइस, डिजिटल प्रिंट कितना अच्छा डिजाइन है, पूरा स्प्रे किया हुआ है। आपको
नज़र आएगा कि हाँ अलग अलग कलर बने हुए हैं, बहुत सुंदर चीज़ है। कपड़ा भी जो है ये केटोनिक बाई पोलिस्टर, अच्छा सी बाई पी बोलते हैं इसको, ये जो धूप छांव इफेक्ट जैसा आपको लग रहा है ना, हाँ। वो इसीलिए इस साइड में धागा जो चला हुआ केटोनिक है और इस साइड में जो धागा चला हुआ पोलिस्टर है, ओके। जिससे ये धूप छांव का इफेक्ट आता है जी। तो ये अभी कुछ सैंपल्स जो कैटलॉग नए आए हुए थे वो मैंने आपको नजर करवाए। टाइम टू टाइम तो कैटलॉग वगैरह और रोज आते हैं, रोज 10 कैटलॉग 15 कैटलॉग रोज नए आते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन से यहाँ रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट तक में बीच में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग खड़े रहते हैं जो कि फालतू ले जा के आपको बोलेंगे कि फैक्ट्री चलिए हम आपको दिखाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से दिलवाते हैं। तो उन लोगों से ज़रा सावधान रहें। आपको जहाँ आना है, आप अजमेरा का सोच के आए हैं या किसी और का सोच के आए हैं, तो आप वहाँ का प्रॉपर एड्रेस अपने पास रखिए और डायरेक्ट उनसे जाके मिलिए। बीच में किसी भी कोई किसी से कहीं भी बाहरी आदमी जिसको आप जानते नहीं है उससे किसी तरीके का कोई कांटेक्ट या किसी तरीके का लेन देन नहीं करें। आपसे बात करता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ले कैसे सकते हो, मतलब साड़ियाँ वगैरह जो भी आपने देखी है, अगर आपको लेना है तो सर कैसे ले सकते हैं? व्हाट्सएप के जरिए आप मंगवा सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप की टीम है पूरी 20 लोगों की, अच्छा। जो लोगों को गाइड करती है पूरे तरीके से, एरिया वाइज गाइड करती है कि कौन से एरिया में क्या टेस्ट चलता है, कौन सा एरिया में क्या टेस्ट चलता है, इस तरीके से पूरा गाइड करेगी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद आना चाहते हैं, सबसे बढ़िया तो वही है, एक बार तो मैं किसी को भी बोलता हूँ, आप आँख मूंद के किसी के भी अकाउंट में पैसा डलवाने की बजाय वहाँ जाके देखिए, कोई बात नहीं। एक बार नहीं कमाया सही, आपका लगता है कि मेरा आने जाने का खर्चा लगेगा, तो सोच लीजिए मुझे इस ट्रिप में नहीं कमाना है, ठीक है 10% खर्चा लग गया कोई बात नहीं है, कम कमा लूंगा, लेकिन मैं जाके देख के आऊंगा, जहां से भी कपड़ा लूंगा मैं वहां की पोजीशन देखूंगा कि वो क्या है, वो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या खाली ट्रेडिंग कर रहा है, okay. कोई मेरे को फालतू बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, खाली वीडियो बना के लोगों को दिखा दे रहे हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरर हैं, या आप आओ गोडाउन में, हम गोडाउन से आपको माल भेज देंगे, उस तरीके का कोई भी कहीं भी किसी को पैसा देने से पहले एक बार आप आइए यहाँ पे, देखिए चेक कीजिए, उसके बाद किसी पे भी विश्वास कीजिए। अच्छा, जो लोग आ नहीं सकते दूर से हैं तो उनको आप कैसे सब प्रोवाइड कराते हो? व्हाट्सएप के जरिए, हाँ कुरियर तो सर कॉस्टली पड़ जाएगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट से हम लोग माल भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट में 50-60 किलो का एक पार्सल बनता है सर, लगभग 25,000-30,000 रुपए की वैल्यू होती है उसकी, उतना माल जरूरी होता है लेना, अच्छा। तो वो हम ट्रांसपोर्ट से उनके एरिया तक वहाँ पहुँचा, अच्छा, कई बार प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट सेल में कि आपने भेज दिया उनके पास पहुँचा नहीं, हाँ जी, या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी तो जी, अगर बिल्टी बना के हमने उनको दे दी है और माल ट्रांसपोर्ट वाला उनको देने को एक्सेप्ट मतलब तैयार नहीं है कि खो गया है, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, तो हम फुल इंश्योर्ड करके कपड़ा भेजते हैं। आप खाली ट्रांसपोर्ट से लिखवा के दे दीजिए कि भाई ये माल नहीं चोरी हो गया है, ये माल हम पार्टी को नहीं दे सकते हैं, वो कॉपी आप हमें भेज दीजिए, हम आपको या तो दूसरा माल भेजेंगे नहीं आपका पैसा वापस ट्रांसफ़र करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते रहेंगे। कोई भी कस्टमर एक बार कपड़ा हमारे यहाँ से ले गया है तो हर 10वें दिन पे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर क्या हुआ, अच्छा। आपका कपड़ा बिका या दिक्कत आई या किस तरीके की दिक्कत आई, जो भी दिक्कतें आती है उनमें सुधार हम इसीलिए कर पा रहे हैं अपने आप में कि भाई हमको रोज पता लगता है कि एक छोटे कस्टमर को किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, बिल्कुल। तो वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके ऊपर सुधार करते हैं और अब कोशिश पूरी ये हो गई है कि अभी किसी तरीके की कोई कस्टमर को दिक्कत आती नहीं है। आज इतने कस्टमर हम लोगों से ले जाके शॉप में बेच रहे हैं प्लस शॉप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब कि जी जो भी लोग आपसे माल लेंगे यहाँ पर आके या फिर जैसे भी होता है आप उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे? ऐसा नहीं है कि कपड़ा बेच दिया और हम फ्री हो गए। अच्छा, हम कपड़ा यहाँ बेच के खुश होते ही नहीं है, जब तक वो हमें वहाँ ले जाके कपड़ा बेच के रिपीट नहीं करे तब तक हम कपड़े बिके अपने कपड़े को बिका हुआ मानते ही नहीं है सर। अच्छा, तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर इतना बड़ा सपोर्ट आपको इनकी तरफ से मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे टाइम निकाला और इतना कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आया होगा, जरूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लिख देना इस बिजनेस के बारे में, और बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।